दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़, प्लीज़ डोंट मिस यूज़ इट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप फ़िल्टर में जाते हो और यहाँ पे आपके पास न्यूरल फिल्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये विजिबल नहीं हो रहे या क्लिकेबल नहीं है, तो इसको सेट किस तरह से करना है वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो इसको सेट करने के लिए आपको आपका जो फ़ोटोशॉप है उसमें साइन इन होना चाहिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, साइन इन कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, हेल्प में जाता हूँ और यहाँ पर जो है साइन इन में चला जाता हूँ और इसको आप लोगों ने साइन इन कर लेना है। तो मैं लॉगिन विद गूगल कर लेता हूँ और यहाँ पे क्रोम पे मेरे पास ओपन हो गया है। तो मैं यहाँ पे अपनी सारी डिटेल फिल करके क्रोम के ऊपर अपने अडोब की आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास लॉगिन हो चुकी है और इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ और बंद करने के बाद अब अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे अभी भी नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार अब रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा फोटोशॉप ओपन हो गया है, मैं यहाँ पे वही वाली तस्वीर ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर देख लेता हूँ। यहाँ पे ये देखो मेरी जो है जीमेल लग चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आप देख सकते हो न्यूरल फिल्टर पे क्लिक केबल आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ। अब मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस साइड पे न्यूरल फिल्टर का टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे मेरे पास आ चुके हैं। मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहे। अब ये डाउनलोड नहीं हो रहे, इनको डाउनलोड किस तरह से करना है इसकी भी एक छोटा सी ट्रिक है, वो मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, आप वो वाली देख सकते हो या एंड स्क्रीन में मैं उसको लगा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।